कैसा है सुकून, कैसा है सुकून। मेरी बात कान खोलकर सुन ले, आज के बाद तू इस कमरे से भी बाहर कदम नहीं रखेगी। भाई मेरा कसूर क्या? पहले कभी अब्बा जी ने मुझे घर से बाहर जाने की इजाजत दी है, अब आप इस घर की चार दीवारी से बाहर निकलने की भी मुझ पर पाबंदी लगा रहे। हाँ, तू इस घर की चार दीवारी से भी बाहर नहीं निकलेगी। मेरा बस चलता तो तुझे इस घर से किस दुनिया से ही गायब कर देता, लेकिन तू मेरी बड़ी बहन और मैं अपनी माँ की वजह से मजबूर हूँ। भाई मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर? तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारा ये शर्मिंदगी भरा वजूद न जाने मेरे माँ बाप की कौन से गुनाह की सजा हो तुम। भाई इसमें मेरा कसूर क्या है? रब ने मुझे पैदा ही ऐसा किया है, मुझसे पूछ कर थोड़े मेरे रब ने मुझे ऐसा बनाया है। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, मेरा रिश्ता तय हो गया और मैं नहीं चाहता कि मेरे आने वाली जिंदगी पर तुम्हारा मनुसाया भी पड़े, समझी तुम? और मीरू मेरी बात कान खोलकर सुन ले, तू इस घर में या तो तू रहेगी या मैं रहूंगा, बस। मैं किथे जावां मौला मेरे, कोई रस्ता बखा मैनू। मां मां भाई क्या बोल कर गया है? माँ मेरे भाई का रिश्ता तय हो गया है, मेरे भाई की शादी होगी माँ। लेकिन क्या माँ मैं अपने भाई की खुशियों में शरीक नहीं हो सकती? बताओ माँ, बताओ माँ क्यों? मेहरू बेटा वो अनजान लोग हैं, इसलिए तुम्हारे भाई ने उनको सामने आने से मना किया है। समझा करो बात को, अहमद बिल्कुल सही कह रहा है। ये कैसा जुल्म है माँ, मुझे और क्या क्या सहना पड़ेगा माँ? मुझे कितना करदा गुनाहों की सजा दी जा रही है। अब्बा जान मरते दम तक मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते थे, बाप की शफकत और मोहब्बत की जगह हमेशा से मुझे धिक्कार मिली और हमेशा मुझे स्कूल से निकाल दिया गया कि वहाँ पर मेरी कोई जगह नहीं। और माँ मोहल्ले में किसी के साथ खेलने की मुझे कोई इजाजत नहीं है। सबर करो बेटा मेहरू, सबर करो। अपने ही घर में माँ मुझे खुशी और हिजड़ी जैसे नामों से पुकारा है और अब इस कमरे की चार दीवारी में मुझे बंद करके रख दिया माँ। सबर करो मेहरू, सबर करो। ओए अहमद यार कुछ हल्ले गुल्ले के बारे में सोचा है? कैसा लगोला? ओ कोई टोल शोल, कोई लुड्डी बुड्डी, कोई पंगड़ा शंगड़ा, आखिर साढ़े यार दा ब्याह है। हाँ हाँ यार क्यों नहीं होना चाहिए, इस घर में पहली शादी है। ये हुई ना बात, मेहंदी पे खूब मौज मस्ती होनी चाहिए। हाँ हाँ यार जो दिल करे करना। कुछ हमारा भी तो ख्याल कर शहजादे, मस्ती रक्स और सरूर भी शामिल होना चाहिए। क्या मतलब? सब समझ रहा है, वैसे बाहर किसी को क्यों बुलाना है, इसके तो अपने घर में मौजूद है। अहमद रुक, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा आज मैं तुझे, तो आज मैं जान ले लूंगा, नहीं छोड़ूंगा आज मैं तुझे। तेरी तो आज जान ले लूंगा मैं साले, कुछ तेरी वजह से मुझे इतनी बातें सुननी पड़ती हैं।
तेरी वजह से सब कुछ हो रहा मेरे साथ। रुक जा, बस कर दे। अम्मा नहीं छोड़ूंगा मैं इसे यार। तो छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा, इसको साथ को खत्म करूंगा मैं। जुल्म ये जुल्म ना कर, अल्लाह का वास्ता है तुझे, इसे छोड़ दे। पीछे हो जा। आज तो इसे मैं जड़ से खत्म कर दूंगा। आज किसकी मैं जान लेकर आऊंगा। तू पीछे, इसको नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं मैं करूंगा। अम्मा, 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 साली मार दिया ना माँ को। अब सुकून आ गया तुझे? निकल जा मेरे घर से, मैं तुझे नहीं रहने दूंगा यहाँ पे। भाई ये क्या कर रहे हो? खुदा के लिए मत निकालो भाई मुझे, मुझे अपनी माँ को देख लेने दो भाई। एक लम्हा भी मैं तुझे यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करूंगा। माँ मर गई है ना, अब तेरा इस घर पर कोई हक नहीं है। दफा हो जा यहाँ से। इतना जुल्म मत करो भाई, मुझे अपनी माँ की बात का मातम तो मनाने दो भाई। अल्लाह का वास्ते है भाई, मेरी माँ के आगे नमाज से मुझे उनसे जुदा मत करो। तेरा यहाँ क्या काम है? हाँ ना तू माँ को कंधा दे सकती है, ना गुसल दे सकती है, क्या काम है तेरा यहाँ पे? भाई मैंने तो इसी माँ की गोद से जन्म लिया और मुझे पूरा हक है कि मैं अपनी माँ के आगे रस्मात में शामिल हो सकूं। तुझे बताता हूँ मैं तेरा क्या हक है। साली कमीनी, मेरी माँ को तूने मार दिया। हाँ माँ को मार दिया मेरी तूने। भाई भाई प्लीज खुदा का वास्ते मुझे घर से मत निकालो भाई। भाई प्लीज खुदा का वास्ते मेरी सर से छत मत छीनो भाई, मैं कहाँ जाऊंगी भाई। तेरा मेरा हर ताल्लुक खत्म हो गया। एक माँ की वजह से ताल्लुक था ना, आज माँ भी नहीं रही। अपने वास्ते अपने पास रख और यहाँ से निकल जा, जा अपने जैसों में जा, मेरे घर से निकल यहाँ से। भाई प्लीज अल्लाह का वास्ते, भाई प्लीज अल्लाह का वास्ते, मैं कहाँ जाऊंगी। खुदा के लिए माँ की जनाजे तक ठहर जाओ, मैं चली जाऊंगी भाई। अल्लाह का वास्ते भाई मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे अपनी माँ की आखिरी रस्मात देखने दो प्लीज भाई प्लीज। एक लम्हा भी मैं तुझे बर्दाश्त नहीं करूंगा। देख मोहल्ले वाले जमा हो जाएंगे, तमाशा लगेगा। निकल जा यहाँ से, दफा हो जा यहाँ से, उठ यहाँ से, दफा हो जा, दफा हो जा भाई प्लीज भाई। अल्लाह का वास्ते भाई मत जाने। तुझे मैं क्या कह रहा हूँ, निकल जा यहाँ से, दफा हो जा भाई, निकल यहाँ से, चल कहाँ जाऊँ। सुने ना जमाना मेरी, ना सुने खुदा तू। अरे अरे क्या कर रही हो, कहाँ घुसी जा रही हो? ये मस्जिद है, यहाँ सिर्फ मर्द आ सकते हैं, तुम्हारी जैसी हुई यहाँ कोई जरूरत नहीं है। तेरा यहाँ क्या काम है? अल्लाह तो सबका है, तो फिर मैं क्यों नहीं अंदर जा सकती? हाँ हाँ हाँ, अल्लाह सबका है। चलो चलो यहाँ से, चलो 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 चलो। मेरा तो कोई नहीं, बस तेरे एक सिवा, सुन ले तू मेरी ये दुआ। मैं तो तेरे सिवा किसे नू ना मना। मेरे खानदान, मेरी फैमिली, मेरी फैमिली वक्त के लोग ही तो मुझसे नाराज हैं। तो फिर अपना चाल चलन ठीक करो, जाओ बीबी, हमारा काम का वक्त है। इस वक्त कहाँ जाओगी, रात हो रही है, गलत हाथों में चली गई तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं, मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। बाप 5 साल पहले फौत हो गया था और अब अम्मा भी अल्लाह को प्यारी हो गई है। तुम फिक्र ना करो बेटा, अब हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं। मैंने तुमसे कहा था ना, ये अड़ियल चीज़ इतनी प्यारी है, देखो तो सही। माशाल्लाह, ये तो चांद का टुकड़ा है। और गुरुजी, मिनिस्टर के बेटे की शादी है, वहाँ पे बड़े बड़े लोग आएंगे। कैसा है सुकूत, कैसा है सुकूत। Oh,
भाई बात सुनो, मुझे शिकायत करनी है। किसकी? अपने भाई की। उसने मुझे घर से निकाल दिया। क्यों? उसने घर से क्यों निकाला? क्या किया तुमने? यही तो नहीं पता चल रहा कि आखिर उसने मुझे घर से क्यों निकाला। मैं क्यों उसके लिए बदनामी का दाग हूँ? वह मुझे क्यों अपने साथ नहीं रख सकता? मेरे खानदान, मेरी फैमिली वक्त के लोग ही तो मुझसे नाराज हैं। तो फिर अपना चाल चलन ठीक करो, जाओ बीबी, हमारा काम का वक्त है। मंगा मैं दुआ कुछ अर्ज करा मौला, मैं किथे जावा मौला मेरे कोई रस्ता बखा मैनू। आ जाने मान, आ जा, मैं तुझे खिलाऊं कुछ बर्गर शर्गर पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा, आ जा। अरे आ जा। मेरा यकीन है तू ही करीम है, कर दे तू मुश्किलें आसान। दिल में जो दर्द है जाने क्या मर्ज है, मौला मेरे कहाँ जा रहा है? पता नहीं, भाई ने घर से निकाल दिया है, मालूम नहीं। अरे पैसे नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। मुझे पता है तुम्हारे जैसों का देश कौन सा होता है। मेरे पास पैसे नहीं है। इस वक्त कहाँ जाओगी? रात हो रही है, गलत हाथों में चली गई तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरी माँ मर गई, मुझे कब्रिस्तान ले चलो, मेरी माँ को वहीं लेके गए होंगे। आयशी दादी देखो तो कौन आया है। ए कौन है तू? कितनी चीज़ी है? क्या नाम है तेरा? कहाँ से आई है? ये तुम्हारी दुनिया की है, हमारी जालम दुनिया में पटक रही थी और मैं इसे लेके तुम्हारे पास आ गया। अरे बात सुनना, गर्मी में खड़े होके हम तो पसीनों पसीन हो गए। ये उसको लेके अंदर चलती है, ठहरो जरा। अरे आ जाओ ना, आ जाओ, आ जाओ चंदा। हौसला करो बेटा, बस खुदा की मर्जी के आगे इंसान बेबस और मजबूर हो जाता है। बेशक, बजा फरमाया आपने। बहुत खुश थी, बेटे की शादी हो रही थी। इस दिन का अरमान तो सभी माओं को होता है, बस बेटे की खुशी देखना नसीब में ना था। तो बस बेटा, फिर शादी का क्या करना है? हमारी तो सारी तैयारी मुकम्मल थी बेटा। घर बिल्कुल खाली हो गया, इसको संभालने वाली की ज़रूरत है। तो और क्या, औरत के बगैर घर घर थोड़ी होता है। मैंने सुना तुम्हारी कोई बहन भी है। नहीं, मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। बाप 5 साल पहले फौत हो गया था और अब अम्मा भी अल्लाह को प्यारी हो गई है। तुम फिक्र ना करो बेटा, अब हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं। वैसे मेरे ख्याल में नेक काम में देर तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा करते हैं कि कुछ दिन बढ़ा लेते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? जी ठीक कह रहे हैं बेटा, खुद को तन्हा मत समझना, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आंटी। अच्छा बेटा, आप इजाजत दो, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। क्या बात है, नींद नहीं आ रही? हाय, माँ की मौत का दुख और घर छीन जाने का दुख दोनों ने ही नींद छीन ली है। तुमने सही से खाना भी नहीं खाया था,
बड़ा कुछ है खाने के लिए, तुम्हारे लिए लेके आऊं? नहीं। अच्छा चल, नहीं लाती, आंखें बंद कर और सो जा। जितना जागेगी उतना दिल जलेगा, और जितना दिल जलेगा उतना ही नुकसान होगा तुम्हारा। अच्छा मैं चलती हूँ, मैं बस तुम्हें देखने आई थी। बड़ी रंगीन महफिल सजी हुई है, अगर नींद ना आए तो नीचे आ जाना, महफिल फुल अरूज पे है। आज गोरी बड़े मूड में है और शहजादी तेरे आने की खुशी में बड़ी ही खुश है। अच्छा चलती हूँ मैं। जमाना मेरी ना सुने खुदा तू, मैं कित्थे जावा मौला मेरे। भाई इसमें मेरा कसूर क्या है? रब ने मुझे पैदा ही ऐसा किया है, मुझसे पूछ कर थोड़े मेरी रब ने मुझे ऐसा बनाया। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, मेरा रिश्ता तय हो, और मैं नहीं चाहता कि मेरे आने वाली जिंदगी पर तुम्हारा मनुसाया भी पड़े, समझी तुम? तेरा मेरा हर ताल्लुक खत्म हो गया। एक माँ की वजह से ताल्लुक था ना, आज माँ भी नहीं रही। अपने वास्ते अपने पास रख और यहाँ से निकल जा, जा अपने जैसों में जा, मेरे घर से निकल यहाँ से। भाई प्लीज ना लगा वास्ते, भाई प्लीज ना लगा वास्ते, मैं कहाँ जाऊंगी? तेरे बिना कुछ करना सगा मौला। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, उठ गई तू? अरे मेहरू उठ गई है ना, फ्रेश हुई है ना? चल मैं तुझे गुरु से मिलवाने ले जाऊं। कौन गुरु? गुरु इस डेरे का मालिक है और हमारा सरदार भी है, हम उसकी हर बात मानते हैं और उसकी इज्जत करना हमारे ऊपर बहुत बड़ा फर्ज है। तुम भी करोगी ना उसकी इज्जत? ठीक है ना, चल उठना उठना, ये क्या सुस्तों की तरह मुंह बनाया हुआ है, उठ के ठुमका शुमका लगा, उठ तो मेरे साथ, चल आ जा। आ जा। मेरे साथ जाती दफा सोचा ना कर कि मैं कहां लेके जा रही हूं, अच्छी जगह ही लेके जाऊंगी। चलो चल मेरू, आ जा तुझे मिलाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम गुरु, क्या हाल है? ठीक हूं बेटा, माशाल्लाह। बैठो मेरू। माशाल्लाह ये हीरा कहाँ छुपाया था? गुरु मैंने तुमसे कहा था ना, ये अड़ियल चीज सी इतनी प्यारी है, देखो तो सही। माशाल्लाह ये तो चांद का टुकड़ा है। अरे आप भी तो बैठो गुरु, बैठो। मैंने कहा था ना कितनी तारीफ की थी, उतनी है ना अच्छी? ये तो तेरे कहने से भी ज्यादा खूबसूरत है शहजादी। लेकिन गुरु इस बेचारी की माँ कल फौत हो गई है, और देख ना गुरु इसका जो जालिम भाई है ना, मेरे हाथ लग जाए मैं उसके हाथ तोड़ दूं। उसने इस बेचारी को घर से निकाल दिया। हाँ मुझे बता ये कहाँ जाती? तो मैंने सोचा मैं अपने गुरु के पास लेके आ जाती हूँ, अच्छा किया ना? बेटा ये हमारी चीज थी, तू हमारे पास ले आई, अच्छा किया। लेकिन ये देखो ना इसने खाया पिया भी कुछ नहीं है। ऐसा करो ना बेटा इसे खिलाओ पिलाओ और आज की रात ये आराम करे, और इसे हम कल पहला सबक देंगे। अच्छा गुरु मैं आपके कहने के मुताबिक इसे बहुत अच्छा खिलाऊंगी और बहुत खुश रखूंगी। चल मेरू उठना, गुरु जी से मिल लिया। माशाल्लाह ला नजर ना लगाए मेरी जोड़ी को। थैंक यू गुरु। चल मेरी सहेली आज हम खेलेंगी। बेटा हमने खानदान वालों से मशवरा कर लिया है, मेरा ख्याल है शादी 10 रोज आगे बढ़ा लेते हैं। हाँ माँ का 10वां हो जाए फिर। जी ठीक है आंटी। आंटी नहीं बेटा, अब मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे माँ कह के पुकारो। बेटा बारात पर आप अपने 5-4 लोग ले आना, और मेरा ख्याल है निकाह सादगी से कर लेते हैं, बाकी वलीमा बेटा जैसे तुम्हारी मर्जी। जी बेहतर। बेटा घर पर वलीमा करने की ज़रूरत नहीं, 10-12 रिश्तेदार तुम्हारी तरफ से और 15-16 लोग हमारी तरफ से होंगे, किसी होटल में इंतज़ाम कर लेना, और बेटा खाना ज़रा बेहतर हो जाए।
जी आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। बेटा हॉल में बुक करवा देता हूँ, तुम बस मुझे पैसे दे दो, तुम्हारा ये काम भी मैं अपने सर ले लेता हूँ। तुम कहाँ बेटा धक्के खाते फिरोगे? जी मैं आपको चेक काट कर दे देता हूँ, कितने का दूँ? बस बेटा फिर ऐसे है कि अभी आप 1,00,000 दे दो, बाकी बाद में देख लेंगे। जी मैं लाता हूँ। आओ मेरू, सुबह बखैर। तुम अभी तक सो रही थी, अब तो दोपहर हो चुकी। हाँ अब तो दिन भी ढल रहा है मेरू, हमारी रातें जागते और दिन सो के गुजरते हैं, तुम भी जल्दी इस माहौल की आदी हो जाओगी। लेकिन मेरी माँ इन सब चीज़ों से मुझे दूर रखना चाहती थी, वो मुझे पढ़ाना चाहती थी, लेकिन मेरे अब्बा और मेरे भाई ने इन तमाम सपनों को चकनाचूर कर दिया। हम जैसों की मर्जी थोड़ी होती है, ये हम जो सब करते हैं ना, ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि ये माशरा और इस माशरे के नाम नहाद मुकम्मल लोग हमारे लिए कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ते, ना हमें स्कूल पढ़ने देते हैं, ना हमारे लिए कोई नौकरियां होती हैं, और हमसे कोई काम भी नहीं करवाते, ले दे के फिर नाच गाना और मांगना ही हमारा मुकद्दर बन जाता है। क्या यहाँ पर यही सब कुछ होता है? हाँ मेरू, यहाँ पे यही सब कुछ होता है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम पोश इलाके में रहते हैं और हमारे साथ दिल बहलाने के लिए भरे घरानों के लोग आते हैं, और हमारे क्लाइंट ज़रा ऊंचे घरानों से हैं। लेकिन ये सब कुछ मुझे नहीं आता। तुम्हें भी सब सिखा दिया जाएगा। और गुरु जी, मिनिस्टर के बेटे की शादी है, वहाँ पे बड़े बड़े लोग आएंगे, बस आपके चेले जो है ना जरे अच्छा होना चाहिए। एकदम जबरदस्त होंगे, पेमेंट एडवांस होगी। पेमेंट एडवांस में ही होगी, फिक्र मत करें, और हमें जबरदस्त किस्म की गाने वाली चाहिए और जो महफिल को लूट ले। हाँ बस गाने वाली ऐसी होना कि मैं कहता हूँ मिनिस्टर साहब खुश हो जाए। है ना मेरे पास एक ऐसी बुलबुल जो इतना प्यारा गाती है। हाय 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 बुलबुल, आह क्या बात है, अगर आज ना वैसे मीना जी आ जाए ना, यकीन करो कि बस महफल को लूट लेगी वो। मीना के दीवाने बहुत हैं, आज उसकी एडवांस बुकिंग है। ओ मैं कहता हूँ जी मीना जी की अदाएं हैं, हाय 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 हाय, कभी दिल ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है उसकी अदाएं देख देख के मीना जी की। जी एक है मेरे पास, बहुत ही सोनी है और नया चेहरा है, नई एंट्री है। वाह वाह वाह, फिर तो डन हो गया ना जी। मैं कहता हूँ आपकी बात और हमारी बात तय हो गई, यानी कि डन। पेमेंट डबल होगी है, पहली एंट्री है, पेमेंट डबल होगी, और देखो उसे तंग मत करना। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कोई उसे तंग नहीं करेगा, बस सिर्फ मेरे सिवा। ठीक है आप दोनों आ जाना, आपका दिल खुश हो जाएगा। हाँ ठीक है, चले राजा साहब बात डन हो गई है, आज मिनिस्टर साहब बस बड़े ही खुश होंगे, चलो उठे। अच्छा शहजादी, अरे ओ शहजादी। बेटा मेहरू की मैंने बुकिंग कर दी है। हाय अल्लाह गुरुजी, मीना की बुकिंग होगी, कितनी मजे की बात है गुरु। लेकर चलते हैं जहाँ महफिलें सजी सजाई मिलती हैं, डांस वांस करेंगे, मौज मस्ती करेंगे। क्यों? मैं यहाँ नहीं रहना चाहती मीना। और फिर क्या करेगी मेरू, भाई की इज्जत पर लगा हुआ बदनाम दाग थी तू, उसने उतार के फेंक दिया, यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी? हमारे लिए जीने का कोई और सहारा नहीं।
कैसा है सुकून। शहजादी, अरे ओ शहजादी कहाँ मर गई है तू? गुरु आई। जलवाच मूरत इतनी खुश क्यों है? अरे क्या करूं, जवानी ने ही ऐसी मुझे करती है। और मेरी बात सुन, पते की बात तुझे बताती हूँ। बेटा मेहरू की मैंने बुकिंग कर दी है। हाय अल्लाह, गुरु जी नीना की बुकिंग होगी, कितनी मजे की बात है गुरु। तो मेरी क्यों नहीं हुई? बेटा तुम्हारी बुकिंग के टाइम चला गया। तो सुनो मेरी बात सुनो गुरु, मुझे एक फंक्शन आया था। अच्छा। वो कह रहे थे हमने तुम्हारा गुरु बुक करना है, तो मैंने कर लिया है। पता कहाँ पे? कहाँ पे? कच्चे के डाकू ने। तुम्हें ऐसे बुक करती फिर रही है? तो ना कर देती हूँ, मैंने तो कहा गुरु खुश हो जाएगी डाकुओं में जाके। नहीं मुझे लुटवाना है, तूने बहुत तू जल्लात है। अच्छा गुरु बता ना मुझे क्यों बुलाया है? मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है, सुन मीना को समझा दे कि इसको सब कुछ सिखा दे और तैयार उसे तुमने ही करना है। ओए गुरु जी ये क्या बात थी, कसम से मेरी इंसल्ट कर दी। इस पूरे डेरे पे मुझसे ज्यादा मेकअप जानता कौन है? ऐसा मेकअप करूंगी, ऐसा मेकअप करूंगी कि आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मेरी बात सुन बुलबुल को कहो कि मिनिस्टर का फंक्शन है, प्रोग्राम है मेहंदी का, ठीक है, और हम वीआईपी फंक्शन करना चाहते हैं। इतना अच्छा फंक्शन पकड़ा, ठीक है गुरु मैं जाती हूँ और मैं उन्हें तैयार भी कर दूंगी। अब मैं जाऊँ? जाओ, और ऐसा तैयार करना कि सबके दिल लूट ले। ठीक है गुरु, सबके दिल लूट के आएंगे मेरी शहजादी, मेरी सोनी। अरे मीना मेहरू तुम दोनों कैसी हो? अच्छा उठ गई हो। अच्छा सुनो मेरी बात, आज रात तुम दोनों ने महफिल सजानी है, और जरा खूब सजानी है महफिल। और अगर तुम दोनों ने ना आज रात इन लड़कों को खुश कर दिया ना, तो जो मिनिस्टर के घर में पार्टी है ना गुरुजी, तुम दोनों को उसके लिए सिलेक्ट कर लेंगी, और इतना मज़ा आएगा फिर। और फिर तुम दोनों हमारे गुरुजी के गुड बुक्स में शामिल हो जाओगी। कैसा है प्रोग्राम, खुश करोगी ना? इसको अच्छी तरह समझाना। अच्छा सुनो, अब मैं 6 बजे आऊंगी, अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है? चला मेरू, तुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दूँ। दूल्हे मियाँ, जाने वाले तो चले गए, अब अपनी शादी की तैयारी करो। क्या तैयारी करूँ, कौन है मेरा? सादगी से निकाह करवा के ले आऊंगा। लेकिन फिर भी घर की तो कोई सेटिंग वगैरह करवानी है, मुशहरी वगैरह सजेगी। देख तेरा दुख दर्द तो समझ में आता है, लेकिन भाभी के भी तो कुछ अरमान होंगे। उठ हमारे साथ चल, कब तक घर यहाँ बैठा रहेगा? आखिर मेहंदी का प्रोग्राम भी तो सेट करना है। नहीं यार, अभी अम्मा को मरे दिन ही कितने हुए हैं, लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अबे यार यहाँ नहीं कर सकते तो क्या हुआ, कहीं और जाके तो दिल का दर्द भुलाया जा सकता है। क्या मतलब?
अरे मेरे यार, तुझे किसी ऐसी जगह पर लेकर चलते हैं जहाँ महफिलें सजी सजाई मिलती हैं, डांस मास करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, क्यों? हाँ ये ठीक है, चल तो फिर डन हो गया, उठ तुझे मौज मस्ती कराते हैं। क्या हुआ मेरू, यहाँ क्यों आ गई? मीना, ये बहुत अजीब जगह है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती मीना। और फिर क्या करेगी मेरू, भाई की इज्जत पर लगा हुआ बदनाम दाग थी तू, उसने तो आके फेंक दिया, यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी? हमारे लिए जीने का कोई और सहारा नहीं? नहीं पगली, हम इस माशरे के दुदकारे हुए लोग हैं, हम जिस घर में पैदा हो जाएं वो हमें अपने लिए बदनामी का दाग समझते हैं और हमें ही माशरे के आगे फेंक देते हैं, अपने घर पे इज्जत नहीं देते बल्कि खुद अपने हाथों से हमें जिल्लत भरी जिंदगी का हिस्सा बना देते हैं। ऐसा क्यों है मीना? मैं घर पर बैठी भाई की नफरत सहती रही, अगर मैं यहाँ ऐसा करूँगी तो मेरा भाई मुझे जान से मार डालेगा। तू क्या समझती है मीना, तुम्हारे भाई ने तुम्हें शराफत और ईमानदार की जिंदगी गुजारने के लिए घर से निकाला है, उसे नहीं मालूम कि घर से बाहर तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? उसने तुझसे अपनी जान छुड़वाई है, अब चाहे तेरे साथ जो मर्जी हो, उसे तुझसे कोई गर्ज नहीं है। चल बस कर, अब उठ और शराफत का ये चोला उतार फेंक, हम इस माशरे के इज्जतदारों का वो दाग हैं, ये दिन के उजालों में हमसे नजरें चुराते हैं और रात के अंधेरों में मुंह काला करते हैं। कैसी हो तुम दोनों, ठीक हो? और तुम? अच्छा बात सुनो, यहाँ घुसी बैठी है जैसे तुम दोनों को कोई खबर है। तुम दोनों को गुरु याद कर रहा है, पता है ना कल फंक्शन है, पता है ना? बताओ मुझे मेरू, क्या बात है? हाँ मेरू थक गई थी, उसे दुआ देने के लिए मैं यहाँ आई थी, तुम चलो हम आते हैं। हाँ ये भी कोई बात है, थकन ही है ना, बस दो गोलियों की मार है, इधर अंदर की गोलियाँ उधर दर्द की वो। और सुनो, 5 मिनट में वापिस आ रही हूँ, तुम दोनों तैयार रहना, गुरु ने बुलाया है, रात को बहुत ही अच्छा फंक्शन है। ओके चलो तुम भी चलो, गुरु जी ने बुलाया है, मैं जा रही हूँ, 5 मिनट में तुम दोनों गुरु के पास होनी चाहिए, ठीक है? अल्लाह रुक क्यों गई? अरे अपना चेहरा तो दिखाओ। अरे क्या हुआ साहब जी, रुक क्यों गए हो?
ऐसा तितली की रंगों में क्या है? मेरे चेहरे को देखकर अपने दामन पे लगा कोई पुराना दाग तो नहीं याद आ गया जिससे तुमने अपनी जान छुड़वा ली थी? लेकिन ये क्या, अब तुम खुद एक कीचड़ में आ गए हो। कहां गई वो आपकी उजली इज्जत? रुको साहब जी रुको, कहां जा रहे हो? अभी आपने मेरा नाच देखा ही कहा है, अभी तुम महफिल जमेगी। अभी मेरू, ये कौन था? ये वो था जिसको मेरा वजूद अपने घर में गुवारा नहीं था, ये मेरा भाई था। ये तुम्हारा भाई था? मेरू, ये है हमारी इज्जतदार माशे की हकीकत। मत रो मेरू, हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि हम इन जैसे नहीं हैं। हमारे अंदर रब ने जो कमी रखी है वो अल्लाह की मर्जी है, लेकिन इन लोगों की वजह से हम ऐसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। पहले ये लोग हमें इस कीचड़ में धकेल देते हैं और फिर खुद इस कीचड़ को अपने मुँह पर मलते हैं। मेरू, तू ऐसे लोगों के लिए अपना दिल क्यों जलाती है? हम हैं ना तेरे पास। बच्ची मेरू, कैसा है सुकून, कैसा है सुकून। और तुम्हारी ऐसी किसी अधूरी दुआ का नतीजा है ये? जवान लड़का है शहरयार, कब तक इसे इस घर की दरो दीवार में बंद रखो? लड़का लड़का होता तब ना। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि उसके साथ मत बैठा करो। क्यों ना बैठूं उसके पास? वो जो भी है दोस्त है मेरा। ओ दोस्त दोस्त नहीं, सहेली को। मौलवी साहब तो गए, हमें जरा हमारी बात सुन लो, जरा मजा आएगा हम दोनों को आपस में बात करने का। तुम भी तो हमारी दुनिया के हो। अम्मा जी बताएं से, चूहे मार गोली इतनी महंगी नहीं होती, ये खाए और मर जाए।